मस्ती की पाकशाला में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ सीमा सोनी, मेरे साथ है शेफ अंजना जोशी और शेफ नरेंद्र। हेलो। हेलो जी, क्या बनाने वाले हैं हम आज? हम बनाने वाले हैं पान की चॉकलेट। पान की चॉकलेट, वाह। जब हम खाना खाते हैं तो हम लास्ट में हमें एक ऐसी चाहिए होता है माउथ फ्रेशनर, और हमें चॉकलेट खाने के बाद बहुत अच्छी लगती है। जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो देखें क्या बनता है। मुंह में पानी आ गया मेरे। चलो करते हैं शुरुआत। बिल्कुल। ओके, इसलिए हमें डार्क चॉकलेट चाहिए। मिल्क की हुई डार्क चॉकलेट, इसको आपने माइक्रोवेव में रखिए फॉर 30 सेकेंड्स। चॉकलेट को चॉकलेट मिल्क हाफ फिल हो गई। अब इसके अंदर पान की फिलिंग करना है। इसको हाफ फिल करना डालने के बाद इसमें पान की फिलिंग कर रहे हैं। आप पान की भी कर सकते हैं, आप बादाम की भी कर सकते हैं। आपको लगता है बादाम का करना है, किशमिश का भी कर सकते हैं। खाली दिखेगा प्रॉपर। इसको सेट कर लिया और इसको अब हम 10 से 15 मिनट्स के लिए रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। बाद ये ऐसे डिमोल्ड हो जाएंगी। डिमोल्ड होने के बाद हम इसको टेस्ट कर सकते हैं और डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। तैयार होने के बाद जो चॉकलेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। और इसके बाद हम इसको ऐसे गिफ्ट रैप करके, जैसे क्रिसमस नज़दीक आ रही है तो अपने रिलेटिव्स को, अपने नियर डियर फ्रेंड्स को सबको गिफ्ट दे सकते हैं। पैकिंग करके अच्छे से ट्रूजो पैकिंग करा एंड देन आपने गिफ्ट कर दिया। तो ये थी चॉकलेट्स। इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज हमारे पेज मस्ती की पाकशाला में हम दिखाते रहते हैं। आप उन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नमस्कार।